हस्बिलम निशान जी बिस्मिल्लाह सलाम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर फोर टॉपिक है सारिस टू द ग्रेट 590 to 529 BC द पर्शियन एम्पायर आल्सो कॉल्ड द एक्मेनिड डायनेस्टी इंक्लूड सेवरल डायनेस्टीज दैट वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ईरान स्पैन्ड 6th century BCE टू द 20th century CE। अब बात करेंगे हम पर्शियन एम्पायर जो कि उस दौर की दो बड़ी एम्पायर्स थी, एक रोमन और दूसरी पर्शियन, जो जिनका राज पूरी दुनिया पर चल रहा था। इसी पर्शियन एम्पायर के अंदर एक्मेनिड डायनेस्टी भी आती थी और इसके साथ साथ और भी कई डायनेस्टीज मौजूद थी। अब इसका जो आप सेंचुरीज़ की बात करें कि ये कितने अरसे पर मुहित इनकी रियासत रही या इनका हुक्म चलता था, ये हुक्मरान रहे या हुक्मरानी करते रहे, वो छठी सेंचुरी से आप कह सकते हैं 20वीं सदी तक, यानी छठी सदी से 20वीं सदी तक इनका राज रहा पूरी दुनिया पर। द फर्स्ट पर्शियन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय साइरस द ग्रेट इन 550 स्ट्रेच फ्रॉम बाल्कन पेनिनसुला इन यूरोप टू इंडस वैली इन इंडिया। साइरस टू, जिसको लोग और दुनिया ज़ुल्करनैन के नाम से भी जानती है, ये वो अजीम इंसान था कि जिसने अपनी बादशाहत खो दी बचपने में ही, जबकि इसके नाना ने एक ख्वाब देखा इसके बारे में, अभी ये पैदा नहीं हुआ था, और जैसे ये पैदा हुआ तो उसने इसको उठाकर अपने वज़ीर को दिया कि इसको मार डाले। वज़ीर ने आगे जाके एस्फगस को दिया, एस्फगस भी उसी के शाही इलाके शाही ख़ानदान का बंदा था, उसने इसके ऊपर तरस खाकर इस बच्चे को किसी चरवाहे को दे दिया जो घास वगैरह चराते हैं बकरियों को। उसने क्या किया कि उस पर तरस खाया और अपना बेटा बनाकर उसको पाल लिया। वो बेटा तो माशाल्लाह शाही घराने का था, लेकिन उसके नाना के ख्वाब की वजह से उसको इस किस्म की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। ख्वाब कुछ इस तरह था कि उसने देखा कि उसकी बेटी जो है ना, उसके पेट में बहुत बड़ी आग जल रही है, ठीक है, और इसके अलावा एक दो और अजीबोगरीब ख्वाब थे जिसकी वजह से वो काफ़ी घबरा गया था। और उसने देखा कि वो आग जो उसकी बेटी के पेट से निकल रही है पूरी दुनिया को लग गई है। इस डर की वजह से उस बादशाह ने अपने होने वाले नवासी को जो है ना बेदखल कर दिया अपनी अम्पायर में से। लेकिन उसे क्या पता था कि वो साइरस जिसको वो घर से निकाल रहा है एक दिन इसी रियासत का सबसे बड़ा बादशाह बनेगा और इस रियासत को फैला देगा, स्ट्रेच कर देगा मज़ीद, यानी बाल्कन पेनिनसुला से लेकर यूरोप के अंदर और इंडस वैली में इंडिया तक, ठीक है, इतनी बड़ी रियासत। और उस वक्त रोमन एम्पायर जो थी ना वो भी काफ़ी बड़ी रियासत थी, दो ही रियासतें थी उस दौर में, जब 550 की बात है ये, तो रोमन एम्पायर भी थर थर कांपती थी इससे, और उसको डर लगता था कि हम साइरस द ग्रेट के सामने कैसे खड़े होंगे, अगर वो हम पर हमला कर देगा तो वो तो हमें भी खा जाएगा, समझो इतना ताकतवर था, क्योंकि उसकी फ़ौज बहुत बेहतरीन थी। साइरस द ग्रेट वॉज अ केपेबल मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। अब साइरस द ग्रेट की मिलिट्री इतनी क्यों बहादुर और जानबाज थी, क्योंकि उसके पीछे जो दिमाग था वो इसी साइरस का था, यानी उसकी स्ट्रैटेजीज, उसके प्लान्स कि किस तरह किसी की रियासत पर कब्ज़ा करना है, किस तरह मुल्क फतह करने हैं, किस तरह इलाकों को कब्ज़े में लाना है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी उसकी अपने दिमाग से बनाई हुई प्लानिंग से थी, जिसकी वजह से उसकी मिलिट्री का कोई मुकाबले में नहीं आता था और सब लोग उससे डरते थे। ही डिफीटेड नियरली किंगडम सच एज बेबीलोन, लीडिया एंड मिडेस एंड यूनिफाइड ऑल ईरानियन ट्राइब्स। उसने बहुत बड़े बड़े बेबीलोनियन और लीडिया में कौन था, ये नमरूद का दौर था, वही नमरूद जो खुदाई दावा करता था और जिसने खाना काबा के ऊपर हमला किया था हाथियों के साथ, तो उसी नमरूद को अल्लाह पाक ने तबाह बर्बाद किया। तो ये उसी दौर की बात है जब ये साइरस द ग्रेट या ज़ुल्करनैन वहाँ मौजूद थे और उन्होंने इन इलाकों को फतह किया। इसके साथ साथ उन्होंने ईरान में रहने वाले कई कबीलों को भी एक साथ जोड़ दिया, यानी उनकी आपस में सुलह करवाई और उनको यूनिफाई किया, उनको मुत्तहिद कर दिया। हिज़ विक्ट्री ओवर लीडिया इन एशिया माइनर ग्रू हिज़ वेल्थ मैनीफोल्ड एज द लीडिया वॉज इमेंसली रिच। अब लीडिया के ऊपर जब उन्होंने हमला किया ना, तो उनकी इस फतह ने उनको ना सिर्फ पैसों से माला माल किया, इज़्ज़त तो दी ही दी, लेकिन इंतहा के पैसे उनके पास आ गए, क्योंकि उस दौर में लीडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमीर माना जाता था,
under the able leadership of Cyrus, the first Persian Empire swiftly became the world's first superpower as it unified three sites of early human civilization in the ancient world, including Indus Valley, Nile Valley, and Mesopotamia. अब ये दुनिया की सबसे बड़ी रियासत बनकर उभरा, और वो क्यों सुपर पावर क्यों बन गया? क्योंकि उसने तीन बड़ी ह्यूमन सिविलाइजेशन को, जो कि अपना नाम रखती हैं, जैसे इंडस वैली है, नाइल वैली है, मेसोपोटामिया, सब आप लोग सब जानते हो इन सिविलाइजेशंस के बारे में, तो इन तीनों को जो इंसानों की अजीम तरीन आबादियाँ थी, एक साथ जोड़ दिया था और उनके ऊपर राज कर रहा था। साइरस डाइड अराउंड 529 BCE व्हाइल फाइटिंग द रिबेलियस नोमैडिक ट्राइब्स सिचुएटेड अराउंड द कैस्पियन सी। अब साइरस की जो मौत है वो उस बगावत के ख़िलाफ़ लड़ते हुए की हुई, जो कि 529 को उसके सामने एक कबीला था, नोमैडिक कबीला, नोमैडिक कहते हैं जो बंजारे होते हैं कबाइल, जिनका कोई खाना बदोश टाइप लोग होते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। उनके साथ लड़ते हुए उन्होंने बगावत की और उनके साथ लड़ाई में ये मर गया, ठीक है, यानी उनके हाथों कत्ल हुआ। और इसको ये जो लड़ाई हुई है नोमैडिक ट्राइब की और इसकी, वो हुई थी कैस्पियन सी के नज़दीक, उसके आसपास के इलाके में। तो ये था साइरस द ग्रेट, एक अच्छा इंसान था। यहूदी तो इसको अपने लिए मसीहा मानते हैं, क्योंकि इसने जो है ना बहुत नमरूद की जो आर्मी है उसको मार गिराया था, क्योंकि नमरूद ने सुलेमानी हैकल सुलेमानी को तबाह किया था और यहूदियों को ख़त्म करने की कोशिश की थी, बहुत कत्लेआम किया था यहूदियों का इसराइल के अंदर। तो इसने बचाया उनको, आके उनके लिए मसीहा का ये दर्जा रखता है और उनकी किताब में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसने जब इसराइल को आज़ाद करवाया और जिन जिन इलाकों को ये आज़ाद कराता था और अपनी रियासत का हिस्सा बनाता था, वहाँ के लोगों के राइट्स का, उनकी खुशहाली का बहुत ख्याल रखता था। तो इसी वजह से दुनिया आज तक इसको अच्छे नाम से याद करती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह के पास।